अगर मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठता यार, तो मैं शी हल्क का ट्रेलर बहुत देर में देखता यार, लिटरली। वैसे अभी हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है, जाकर देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वैसे भाई मैं तो इस शो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगस्त 17 का वेट कर रहा हूँ। देन भाई मुझे ये ट्रेलर तो अच्छा लगा, देन मुझे ये भी पता चलता है इस ट्रेलर से भाई कि ये शी हल्क की ओरिजिन के ऊपर ही होगा। देन इसमें हमारे हल्क भैया भी हैं, तो चलो वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात की जाए भाई कि इस ट्रेलर मुझे कैसा लगा, तो भाई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं किया इस ट्रेलर ने, बट जब मैंने देखा तब मुझे सरप्राइज हुआ भाई कि ट्रेलर आ चुका है। उतना खास भी नहीं था, बट स्टोरी इसकी अच्छी लग रही है। इससे हमें यही पता चल रहा है कि एक लॉयर भी है, बट यार ये प्रॉब्लम में भी है क्योंकि उसके कंपनी वाले जहाँ वो काम करती है वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और वो मना भी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी नौकरी चले जाएगी। और जिसमें हमारे ब्रूस बैनर भैया भी उसे अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं, वो उसका साथ दे रहे हैं, देन वही तो एक्सपेरिमेंट करेंगे यार। जिसमें वो कहते हैं भी हैं कि भाई गुस्सा में उसका रूप बदलेगा, जब उसे गुस्सा आएगा। तो भाई फनी वे में दिखाया ही था, देन इसे पता चल रहा है भाई कि ये उसकी ओरिजिन के ऊपर सेट होगी ये वाली सीरीज। देन ऐसा कहा जा रहा है कि आधे आधे घंटे का शो एपिसोड होगा, तो मुझे तो भाई अच्छा ही लगा, थोड़ी नॉइज आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। देन भाई उसकी एक दोस्त भी कहती कि तुम एवेंजर ज्वाइन कर लो, तो वो कहती है भाई कि एवेंजर बहुत ज़्यादा अमीर, यानी अरबपति ज्वाइन करते हैं या फिर अनाथ लोग ज्वाइन करते हैं। ये एक जोक जैसा तो उन्होंने कहा है, बट ये तो बहुत गलत ही सोचती है भाई एवेंजर्स के बारे में, डेंजर। वैसे तो ये फ्यूचर की यंग एवेंजर की टीम में ही होने वाली है, अब जो भी कहें यार अगस्त 17 का इंतज़ार तो है ही है। देन भाई ब्रेकडाउन वीडियो भी आ ही जाएगी, लेकिन इस सब ये भी पता चल रहा है कि वो वापस से नॉर्मल इंसान बनना चाहती है, लेकिन इस रूप में भी वो रह ही रही है, यानी ये रूप में भी वो धीरे धीरे नॉर्मल जैसे रह रही है। बाहर घूमती है वो, देन डेट भी कर रही है लॉन्डो को, इसका मतलब आप समझ सकते हो यार। देन ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर ठीक ठाक ही लगा, अच्छा ही था। देन मैं ये शो का सीरीज का इंतज़ार कर रहा हूँ। देन भाई मिस मार्वल से ज़्यादा तो लोग इसे ही देखेंगे, और 30-30 मिनट का तो भाई अलग ही बात है। देन भाई मुझे ये ट्रेलर अच्छा ही लगा, यानी इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। देन हमें अबोमिनेशन का भी एक लुक देखने को मिल जाता है, ह्यूमन लुक भी, देन पूरे का पूरा भी लुक भी, जो मुझे सही लगा। बट नहीं पता अबोमिनेशन का क्या रोल होगा इसमें, क्योंकि भाई जो इनक्रेडिबल हल्क है और वही हमारा मार्वल वाला हल्क है, यानी चेंज नहीं है, सका दिखाते हैं मार्वल वाले, तो हाँ भाई तो अबोमिनेशन तो होना ही था। वैसे तो वो शांगची में दिखने के बाद दोबारा से हमें दिख रहा है इस शो में, तो भाई ये तो अच्छी बात है। नहीं पता ये शो का विलन कौन होगा, बट जो भी यार मुझे तो ये सही लग रहा है। वैसे तो भाई उसकी दोस्त लोग उसकी तारीफ ही कर रहे हैं, देन ब्रूस बैनर भी उसकी मदद कर रहा है। देन हमें एक ही सीन दिखता है ऐसे दौड़ कूदते हुए, बट यार सीजीआई इसका और बेटर हो सकता था मुझे लगा, बट मार्वल अपने शोज में उतने सीजीआई नहीं यूज़ करते हैं, तो ठीक ही था, बट और बेटर हो सकता था सीजीआई। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पर सेट कर दो। देन भाई मिलते हैं आपसे ब्रेकडाउन वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।